So let us go ahead with next question. A Carnot engine has the same efficiency between 800 Kelvin and 500 Kelvin. Carnot engine has the same efficiency between 800 to 500 Kelvin. So 800 Kelvin मतलब कितना टेम्परेचर होगा? Carnot engine में या किसी भी हीट इंजन में यू हैव अ सोर्स ऑफ हीट एंड यू हैव अ सिंक ऑफ हीट एंड सोर्स ऑफ हीट. तो ज्यादा टेम्परेचर होता है वो किसका होता है? तो ये 800 टू 500 केल्विन बोलना मतलब 800 केल्विन किसका टेम्परेचर है? सोर्स का. और 500 किसका है? सिंक का. एंड एक्स केल्विन टू 600 केल्विन द वैल्यू ऑफ एक्स इज. पहले क्वेश्चन समझ लो, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. We have a Carnot engine जिसका same efficiency है between two temperature ranges. तो पहला temperature range है 800 to 500. इसका मतलब T1 की value है how much? 800. T2 की value है 500. Let us say इस case में efficiency है eta. And then x Kelvin to 600 Kelvin. तो जो सेकेंड टेम्परेचर रेंज है उसका T2 मतलब सेम टेम्परेचर कितना है? 600 केल्विन. और उसका सोर्स टेम्परेचर कितना है? x केल्विन. लेट अस से एफिशिएंसी इज T2. तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए हो 800 टू 500 मतलब T1 सोर्स टेम्परेचर इज 800, T2 दैट इज सेम टेम्परेचर इज 500 एंड x केल्विन टू 600 केल्विन. इसका मतलब ये सोर्स टेम्परेचर है और ये सिंक टेम्परेचर है. द वैल्यू ऑफ एक्स इज. तो जो सेकेंड टेम्परेचर रेंज था उसका आपको पूछा है टेम्परेचर ऑफ द सिंक. सिंक ना सोर्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स. और एफिशिएंसी क्या बोला है? सेम. सेम एफिशिएंसी मतलब एटा इक्वल टू एटा डैश. व्हाट इज एफिशिएंसी? 500 था और ये था 800. ये था x, x नहीं था 600. और ये कितना है? x. तो जहां जहां गलती हो सकती है अभी से बी केयरफुल विद दैट. ये दोनों हो गए कैंसल. तो x विल बी 600 इंटू 8/5. 96 मतलब x इक्वल टू 960 केल्विन, राइट? 960 केल्विन मतलब कितना? हम डिग्री में दिया ही नहीं आंसर, आंसर दिया केल्विन में. तो डन. ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो x इज 960 केल्विन. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आइडियल हीट इंजन working between temperature T1 and T2 has efficiency eta. The new efficiency if both the source and sink temperature are doubled will be. Extremely simple question. हमारे पास एक heat engine है which is working between T1 and T2 and the frequency is 1 minus T2 by T1. अभी आपको बोला है कि अगर हमने source और sink temperature दोनों double कर दिया तो frequency क्या होगा? Let us say there is new frequency eta dash 1 minus T2 dash upon T1 dash. Source temperature double कर दिया, same temperature भी double कर दिया. To do answer. So 1 upon T2 by T1 is again eta. So there is no change in efficiency. So it will remain the same. Option number B. Done. Next question. तो इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ सीईटी में ही एक्सपेक्ट करना. दे विल नॉट आस्क यू इन नीट और जेई. अगला क्वेश्चन. एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज अ फ्रीजर
एट द टेम्परेचर ऑफ -13 डिग्री सेल्सियस द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन इंजन मतलब रेफ्रिजरेटर इज 5 द टेम्परेचर ऑफ एयर टू विच द हीट इज रिजेक्टेड मतलब हॉट बॉडी विल बी तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन के इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू यहाँ पे टी टू की वैल्यू कितनी है -13 डिग्री सेल्सियस तो टी टू इक्वल टू -13 + 273 और 260 केल्विन आ जाएगा आपके पास टी टू के की वैल्यू है आपके पास 5 इक्वल टू दिस इज हाउ मच 260 अपॉन टी वन माइनस 260 तो सॉल्व कर लो हाउ मच इज दिस 52 शिफ्ट तो टी वन माइनस 260 इक्वल टू 52 ना पक्का ना हाँ तो टी वन इक्वल टू कितना आ गया 52.312 केल्विन केल्विन में नहीं दिया होगा तो फिर डिग्री सेल्सियस में 39 आएगा वाई 39 बिकॉज 312 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस दैट इज नथिंग बट 39 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ अब ये जो क्वेश्चन है ये तीनों फॉर्मेट में आ सकता है सीईटी जेई एंड नीट बट मोस्ट प्रोबेबल फॉर जेई एंड नीट टू आइडेंटिकल कंटेनर्स ए एंड बी विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन कंटेन द सेम आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम है दो कंटेनर है कंटेनर ए एंड कंटेनर बी वैसे तो वी डोंट नीड डायग्राम हियर बट एनीवेज आई जस्ट ड्रॉ डायग्राम तो यू हैव अ कंटेनर ए विच कंटेन्स एन आइडियल गैस एंड यू हैव अदर कंटेनर बी विच अगेन कंटेन्स द सेम आइडियल गैस क्या सेम है दोनों में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दैट इज वाई यू कैन जस्ट यूज वन मोर कंटेनर ऑफ द सेम साइज तो ये ए कंटेनर था इसका जो वॉल्यूम है दैट इज वी ये बी कंटेनर है अगेन द वॉल्यूम इज वी टेम्परेचर हियर इज टी एंड हियर ऑल्सो इज टी आगे बोला है द मास ऑफ गैस इन ए इज एम ए एंड इन बी इज एम बी इसका मतलब बोथ डू नॉट कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ गैस दोनों में अमाउंट मतलब मास अलग अलग है The gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally. So, दोनों में isothermal expansion होगा to the same final volume. ये initial volume था और final volume भी same होगा. So, final volume is also same. दोनों का final volume कितना है? 2V and 2V. The changes in the pressure in A and B are found to be delta P and 1.5 delta P respectively. Then, what is the relation of mass in A to that of mass in B? तो यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए है ये कितना है देखो क्या लिखा है क्या बोला है इन्होंने द गैस इन ईच सिलेंडर इज नाउ अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली टू सेम फाइनल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इज टू वी इनिशियल इज वी तो व्हाट इज चेंज वी यहाँ पे भी व्हाट विल बी चेंज वी तो दोनों में वॉल्यूम का चेंज भी सेम है टेम्परेचर सेम इनिशियल वॉल्यूम सेम फाइनल वॉल्यूम सेम चेंज इन वॉल्यूम इज सेम mass is different and difference in pressure is also different pehle case mein kitna hai dusre case mein kitna hai 1.5 times of delta p ye dono matlab mass and change in pressure are different yahan tak clear aapko pucha hai what is the relation between mass mass of a or mass of b ka relation kaise derive karoge how will you और आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर करेक्ट तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन है जिसको आप बोलते हो आइडियल गैस इक्वेशन तो हमेशा स्टार्ट वहां से करना है आपको पीवी इक्वल टू एन आर टी मतलब पी इक्वल टू एन आर टी बाय बी चेंज इन प्रेशर
चेंज इन प्रेशर इज फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। अगर आप ए गैस का सॉल्व कर रहे हो तो चेंज इन प्रेशर ऑफ ए तो यहाँ पे भी ए। व्हाट इज पी का इक्वेशन? एन आर टी बाय वी माइनस एन आर टी बाय वी। सिर्फ यहाँ पे फाइनल लिखा है तो ये फाइनल है, पर टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नो, आइसोथर्मल बोला है। एन कांस्टेंट था, आर कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आर टी अपॉन वी फाइनल एंड एन आर टी अपॉन वी इनिशियल। तो दिस विल गिव यू एन आर टी, आप निकाल लोगे कॉमन। फाइनल वॉल्यूम वॉज 2 टाइम्स ऑफ वी, इनिशियल वॉज वी, करेक्ट राइट? यहाँ तक गुड। तो दिस इज इक्वल टू, हाउ मच इज दिस? -1/2, 1/2 -1 इज -1/2, तो माइनस एन आर टी बाय 2 वी। ये आ गया चेंज इन प्रेशर ऑफ एयर, लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यू कैन डू द सेम फॉर बी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ए और बी का रिलेशन चाहिए। यहाँ तक तो अभी तक आपने सिर्फ ए के लिए सॉल्व किया, व्हेन यू सॉल्व इट फॉर बी तो सेम लॉजिक, चेंज इन प्रेशर ऑफ बी गैस विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ऑफ बी गैस, करेक्ट राइट राइट राइट? सब कुछ है बट समथिंग यू हैव फॉरगॉटन हियर, हमको मास को रिलेट करना है। तो जब मास को रीड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज तो मास रिलेट होगा ही नहीं। तो यू हैव टू रिलेट मास, एंड मास कम्स फ्रॉम नंबर ऑफ मोल, करेक्ट? तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट? यहाँ तक क्लियर? यस, क्योंकि किसको रिलेट करना था? मास को, तो मास को लाना पड़ेगा ना इक्वेशन में, कहाँ से लाओगे, यहीं से लाओगे। और इसे याद रखो दोनों में गैस भी सेम था, टू आइडेंटिकल कंटेनर्स ए एंड बी विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन कंटेन द सेम आइडियल गैस। सेम आइडियल गैस का मतलब मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम आएगा, सिर्फ सेम नहीं आएगा वो है मास। देन यहाँ पे भी सेम ट्रिक है, एग्जैक्टली सेम थिंग, वही एन आर टी बाय वी फाइनल बी गैस का माइनस एन आर टी बी गैस का है, तो ये बी गैस का अपॉन वी इनिशियल। क्लियर? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों नहीं है? क्योंकि बोला है फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे भी सेम, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे भी सेम, मतलब विदाउट एनी वरी सीधा उठा के ये लिख दो माइनस एन बी आर टी बाय 2 वी, माइनस एन वी आर टी बाय 2 वी, क्योंकि यहाँ पर भी फाइनल वॉल्यूम क्या था? 2 वी, इनिशियल कितना था? वी, तो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, डेल्टा पी बी। यहाँ तक क्लियर? इज क्लियर? यस। अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? सेम है, क्योंकि गैस क्या है? सेम है। अगर गैस सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट दोनों कंटेनर में सेम है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, इससे क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी बी इक्वल टू क्या था वहां पे? माइनस एम ए आर टी अपॉन 2 m-v, और यहाँ क्या था? माइनस एम बी आर टी अपॉन 2 m-v। क्या क्या कैंसिल हुआ? 2 m-v, 2 m-v, आर टी, आर टी माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर? क्लियर? व्हाट वाज डेल्टा पी ए? डेल्टा पी एंड डेल्टा पी बी वॉज 1.5 डेल्टा पी, 1.5 डेल्टा पी इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी। डेल्टा पी कैंसल आउट, 1.5 3/2, 1.5 इज 3/2, तो 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/3 इक्वल टू एम ए बाय एम बी, तो 3 ma इक्वल टू 2 mb ऐसा आना चाहिए।
यू शुड गेट समथिंग लाइक दिस, है क्या? ऑप्शन नंबर बी या सी अच्छे से देख लो, 3MA = 2MB, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू ऑलवेज रिमेम्बर, जो गिवन डेटा है पहले अच्छे से समझ लो। देन द क्वेश्चन इज देयर एनी शॉर्टकट? यस, शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। कैसे शॉर्टकट लाओगे? सी, वेरी सिंपल थिंग, दोनों में प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं था, तो टू स्टार्ट विथ डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस को डिवाइड कर लेना। डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी बी एस एस 1/1.5 मतलब 2/3। तो क्या कर सकते थे हम लोग, व्हाट वी कुड हैव डन इज, जो सेम नहीं है उसको डिवाइड करो, जो सेम है उसको डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है। तो जो सेम नहीं है, क्या सेम नहीं है? प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिवाइड दीज टू, पहले स्टेप में डिवाइड कर देना। ये था डेल्टा पी, ये था 1.5 डेल्टा पी, कैंसिल एंड कैंसिल। तो डेल्टा पी ऑफ ए अपॉन डेल्टा पी ऑफ बी इक्वल टू 2/3, इक्वेशन नंबर 1। अब जब आप डेल्टा पी फाइंड करते हो, व्हेन यू फाइंड डेल्टा पी यू राइट डाउन फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल इज एनआरटी अपॉन फाइनल वॉल्यूम माइनस एनआरटी बाय इनिशियल वॉल्यूम, करेक्ट? तो रिमेम्बर दिस, याद रखो, इन दिस केस एन आर टी 1/V final माइनस 1/V initial। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बट व्हाट इज एन? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आर टी 1/V final माइनस 1/V initial। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। नाउ यू शुड नो एम डैश मतलब मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, वी फाइनल कांस्टेंट, वी इनिशियल वी कांस्टेंट। समथिंग व्हिच इज नॉट कांस्टेंट और नॉट सेम इन बोथ द केसेस इज मास। क्या कांस्टेंट नहीं है? क्या कांस्टेंट नहीं है? मास। तो अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा पी बिकम्स प्रोपोर्शनल टू मास। तो डेल्टा पी ऑफ ए अपॉन डेल्टा पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू एम ए बाय एम बी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, तो राइट हैंड साइड भी होगा सेम। तो एम ए बाय एम बी इक्वल टू 2/3, तो 3MA इक्वल टू 2MB, ये मेथड नंबर 2 आ गया। तो विच एवर मेथड यू फील इज इजियर, ऑफकोर्स दिस इज इजियर, उसमें कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट है। और ये मैंने लिख के दिया है, ये लिखना नहीं पड़ता है। आइडियली आइडियली फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर दिमाग में फिट होना चाहिए। एनआरटी बाई वी एस माइनस एनआरटी बाई वी इनिशियल, एनआरटी कॉमन 1/V final माइनस 1/V initial, आर कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट, वी एफ कॉन्स्टेंट, वी आई कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट बिकॉज बोथ ऑफ द कंटेनर हैव सेम आइडियल गैस। इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस किसी पे डिपेंड करेगा तो वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन मास। तो डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी बी विल बी एम ए बाई एम बी, लेकिन एम ए बाई एम बी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 2/3। डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी बी क्या आया? एम ए बाई एम बी, लेकिन डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी बी क्या था? 2/3। तो एम ए बाई एम बी कितना आ गया? कितना आया वो? 2/3, मतलब 3MA/2MB। तो जो मेथड आपको पसंद आए गो विद दैट, दिस इज मेथड नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट अस मूव अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोनाटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1 इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हमारे पास एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है विच इज इनिशियली एट टेम्परेचर T1, इट इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विच इज फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अभी आपको ये पता होना चाहिए पिस्टन का पोजीशन डिसाइड करेगा व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया तो सेम होगा बिकॉज यू नो यू हैव अ सिलेंडर, सिलेंडर में पिस्टन होता है विच इज मूवेबल मास्टर एंड फ्रिक्शनलेस, एरिया तो सेम होता है उसका। बट इफ इट मूव्स अप तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, इफ इट मूव्स डाउन वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो वॉल्यूम डिसाइड करने के लिए प्राइमरी फैक्टर है लेंथ, लेंथ मतलब हाइट। आगे बोला है द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली टू अ टेम्परेचर T2 बाय रिलीजिंग द पिस्टन सडनली।
तो गैस इज अलाउड टू एक्सपांड एडियाबेटिकली। पहले हमने पिस्टन को ऊपर से पकड़ के रखा था, क्यों? क्योंकि इनसाइड यू हैव गैस, गैस हैज इंटरनल एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर मूविंग अराउंड, तो दे विल कोलाइड विद पिस्टन एंड दे विल पुश द पिस्टन अप। हमने पहले होल्ड करके रखा था, एज सून एज यू रिलीज द प्रेशर द पिस्टन गोज अप। पिस्टन गोज अप मतलब गैस विल यूज इट्स ओन एनर्जी टू डू वर्क, मतलब टेम्परेचर टी टू इज लेस देन टी वन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लगने नहीं वाला है, बट यू जस्ट नीड टू नो। इफ एल वन एंड एल टू आर द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली, देन टी वन बाई टी टू इज गिवन बाय। तो सबसे पहले यू शुड नो टी वी रेशियो गामा माइनस वन इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब टी वन वी वन रेस टू गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू रेस टू गामा माइनस वन। आपको पूछा है रेशियो ऑफ टी वन बाई टी टू, तो टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू इक्वल टू वी टू बाय वी वन रेस टू गामा माइनस वन। और आपसे मैंने अभी अभी पूछा था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यू जस्ट सेड एरिया, सो ए इंटू एल टू इज वी टू, ए इंटू एल वन इज वी वन गामा माइनस वन। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ए इंटू एल कैसे आया, तो ए इंटू एल ऐसा आता है, यू मस्ट नो सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए बिकॉज दैट इज समथिंग यू लर्न इन स्कूल। तो ये है सिलेंडर, इसमें है पिस्टन, पिस्टन का एरिया है फिक्स, एरिया क्या है फिक्स, क्योंकि पिस्टन का एरिया हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सिलेंडर एक बार बन गया तो बन गया, एरिया इज फिक्स। बट व्हाट यू कैन चेंज इज लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, दिस इज एल रेस टू टू, दिस इज एल रेस टू वन, एल रेस टू टू इनटू एल रेस टू वन इज एल रेस टू थ्री, दैट विल गिव यू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज ए इनटू एल। तो एनीवेज आई होप यू नो दिस, ए और ए कैंसिल, करेक्ट। गामा की वैल्यू 5/3, क्यों? क्योंकि कौन सा गैस था, मोनोएटॉमिक गैस, तो एल टू बाय एल वन गामा इज 5/3 माइनस वन, 5/3 माइनस वन इज हाउ मच 2/3, कितना 2/3, तो एल टू बाय एल वन रेस टू 2/3, ऑप्शन नंबर डी। वेल इसका एक शॉर्टकट भी है, आई जस्ट टेल यू शॉर्टकट, शॉर्टकट में ट्रिक, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो पावर में वन नहीं आता, वन आएगा ही नहीं, पावर में रेशो होते हैं, जैसे 2/3 समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस में कभी भी पावर इंडेक्स इज नॉट वन, मतलब सी एन डी बी आर आउट ऑफ क्वेश्चन। तो बिना सॉल्व किए कैसे सॉल्व होता है, लुक एट द ऑप्शन, एडियाबेटिक है, बी और सी नहीं आ सकता, बात कर रहा। देन दूसरा, ये एक्सपांशन था, क्या था ये एक्सपांशन था, एक्सपांशन था, तो definitely L2 is greater than L1, मतलब L2 by L1 is greater than 1, ये positive है। Do you remember, temperature will decrease, why? क्योंकि expansion में gas ने खुद का energy use किया, correct? तो volume and temperature inversely proportional to each other, inversely proportional है ना, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, गैस क्या यूज करेगा, इंटरनल एनर्जी यूज करेगा, करेगा तो टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन वॉल्यूम इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ना, बराबर, करेक्ट। तो ये रिलेशन क्या आएगा, टी वन बाय टी टू, टी वन बाय टी टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, क्या पूछा था आपको, टी वन बाय टी टू, अगर T1 by T2 पूछा है तो आंसर में क्या आएगा, L2 by L1, और L2 by L1 with a power which is not equal to 1, it is a fraction, तो L2 by L1 और fraction कहाँ दिखता है, ऑप्शन नंबर डी में, तो बिना सॉल्व किए भी आता है, बट फॉर दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। तो एक बार और समझ लो, एडियाबेटिक मतलब पावर वन नहीं हो सकता, मतलब बी और सी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, और टेम्परेचर T1 by T2 पूछा है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो T1 by T2 पूछा है तो आंसर में L2 by L1 आएगा विद अ पावर विच इज नॉट वन, सम फ्रैक्शन, क्लियर। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, L2 by L1 और पावर में 2/3, नो नीड टू सॉल्व, लॉजिकली स्पीकिंग डन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us go ahead with next question.
ओके लुक्स गुड क्वेश्चन विथ अ स्मॉल करेक्शन इन द क्वेश्चन, इसलिए मैंने पहले से करके रख दिया करेक्शन। वर्क डन बाय अ सिस्टम अंडर आइसोथर्मल चेंज फ्रॉम अ वॉल्यूम वी वन टू वी टू फॉर अ गैस विच ओबेज वैंडर वाल्स इक्वेशन वी माइनस बीटा एन इंटू पी प्लस अल्फा एन स्क्वायर बाई वी इक्वल टू एन आर टी। बेसिकली ये इक्वेशन होता है रियल गैस के लिए, आपको पता होना चाहिए। आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, रियल गैस के लिए पी प्लस समथिंग वी माइनस समथिंग इक्वल टू एन आर टी, पी प्लस समथिंग वी माइनस समथिंग, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि यू नो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस इज फार लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? वी। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वी माइनस समथिंग, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल ने इन रियलिटी इट हैज ऑक्यूपाइड फार लेस वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि दो गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इन अ कंटेनर इफ यू हैव गैस मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी स्पेस, राइट? और क्योंकि एम्प्टी स्पेस ज्यादा है तो मीन फ्री पाथ ज्यादा है। मीन फ्री पाथ ज्यादा होना मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन कम होते हैं, मॉलिक्यूल टू वॉल्स ज्यादा होते हैं, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। वो कहाँ से आया था? चेंज इन मोमेंटम से। अभी एग्जाम में पूछा था ना, लिखा आपने वो बड़ा सा डेरिवेशन, कहाँ से आया था? कोलिजन से। अगर मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है तो कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो प्रेशर में प्लस समथिंग होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। तो आपको पूछा है व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन बताओ इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम वी वन टू वी टू। सी द आइडिया हियर इज कि जब भी वर्क डन ये अगर आप सुनते हो तो सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पीडीवी, और टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन पीडीवी। कहाँ से कहाँ तक? वी वन से वी टू तक। क्यों वी वन से वी टू तक? क्योंकि यहाँ पे बताया ही है वैसा। कभी कभी आपको बताएंगे टी वन टू टी टू, तो लिमिट किस पे होंगे? टेम्परेचर पे। तो उस केस में लिमिट किस पे होंगे? टेम्परेचर पे। तो वेरिएबल किसको बनाना पड़ेगा? टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बताया है? वी वन टू वी टू, मतलब वेरिएबल कौन चाहिए? वॉल्यूम। अब ये जो इक्वेशन दिया है हमको वी माइनस बीटा एन इंटू पी प्लस अल्फा एन स्क्वायर बाय समथिंग दैट इज वी इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी दिया है ना। अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल वर्क डन, तो इट इज ऑलवेज पीडीवी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, पी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहाँ पे बोला है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है? बोला है कि आइसोथर्मल बोला है, मतलब प्रेशर तो डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं तो इंटीग्रेशन के बाहर कहाँ से आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर एक काम करो, जो एक ऊपर का इक्वेशन दिया उससे पहले प्रेशर का इक्वेशन बनाओ, तो उसके लिए आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पी प्लस अल्फा एन स्क्वायर बाई वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी माइनस बीटा एन। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब थ्योरी क्लियर से मतलब क्या कि आपको प्रोसेस पता है वर्क डन फाइंड करने का, इट इज ऑलवेज दिस। देन डायरेक्टली प्रेशर को बाहर रखना नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन दिया है उसमें से हमको समझ में आया कि प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। करता है क्या? करता है। नहीं करता तो देख लो, नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो प्रेशर इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एस एन आर टी अपॉन वी माइनस बीटा एन माइनस अल्फा एन स्क्वायर बाय वी। तो यस, प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट तो नहीं है। तो हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन था? कौन है? वॉल्यूम। तो प्रेशर चाहिए क्या इक्वेशन में? नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए? वॉल्यूम। तो पुट पी इक्वल टू, क्या पुट करोगे यहाँ पे? एन आर टी अपॉन वी माइनस बीटा एन माइनस अल्फा एन स्क्वायर बाय वी, बाहर कौन है? डीवी। यहाँ तक क्लियर? यस क्लियर। अब यहाँ पे आके डेफिनेटली यू विल बी स्टक, बिकॉज आई एम वेरी श्योर यू डोंट नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, यू मस्ट नो, जो पता होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अपॉन सम फंक्शन ऑफ वी, लॉग मॉड एफ ऑफ वी। लॉग मॉड, मॉड नहीं भी लिखोगे तो चलता है, लॉग ऑफ कौन सा लॉग? कौन सा लॉग?
तो बीएस ई या 10? 10 पक्का? आर यू श्योर? इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ वी, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ वी। तो सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ वी नहीं होता है वो, देर इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो, देर आर टू थिंग्स एक्स्ट्रा। नंबर वन, अगर लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है, अगर नहीं है तो। हमारे केस में है क्या? यस। दूसरा, आपको पता होना चाहिए जब आप डेरिवेटिव लेते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन? एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगेन, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव ये होता है एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। रेस टू एन लिखा मतलब तुम साइकिल में अटक गए, लूप चलता जाएगा वापस से फिर वापस से। तो यहाँ पे एन होता है क्या? नहीं। तो डेरिवेटिव में आप क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लाई। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑपरेशन, तो इंटीग्रेट करते वक्त डेरिवेटिव से आप डिवाइड करते हो। क्या करते हो? डिवाइड करते हो, ये रूल है। प्लस कांस्टेंट अगर लिमिट्स नहीं होंगे तो, लिमिट्स अगर लिखोगे तो कांस्टेंट नहीं चाहिए, अगर लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट आएगा। मैं इतना डिटेल बताऊंगा नहीं बिकॉज वी डोंट नीड दिस। हमारे पास वर्क डन में दो टर्म्स थे, एक है इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू एन आर टी अपॉन वी माइनस बीटा एन डी वी, माइनस दूसरा टर्म है वी वन टू वी टू अल्फा एन स्क्वायर बाय वी डी वी। करेक्ट। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। टी कांस्टेंट क्यों? आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल। तो पहला जो इंटीग्रेशन है इसमें एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू, ऊपर बचा डी वी, नीचे आया वी माइनस बीटा एन, माइनस अल्फा कांस्टेंट, एन स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन टू वी टू, किसका इंटीग्रेशन? डी वी बाय वी। यहां तक क्लियर? इज दिस क्लियर? गुड। तो एन आर टी ये यहाँ पे लिखा है, लॉग मॉड लॉग ऑफ एफ ऑफ वी। एफ ऑफ वी कौन है? कौन है एफ ऑफ वी? वी माइनस बीटा एन। एफ ऑफ वी वी माइनस बीटा एन, तो क्या लिखोगे? लॉग ऑफ वी माइनस बीटा एन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ वी माइनस बीटा एन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वी? वन। बीटा कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, जीरो। वन माइनस जीरो मतलब नीचे कौन आएगा? वन। डन, खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम वी वन टू वी टू, लिमिट भूलना नहीं, लिमिट भूल तो गए काम से, आंसर नहीं आएगा। माइनस अल्फा एन स्क्वायर, व्हाट इज डीवी बाय वी का इंटीग्रेशन? नेचुरल लॉग ऑफ वी अगेन, तो ये वापस आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वी। अब जिनको हेवी जा रहा है, इट इज हेवी बिकॉज यू डोंट नो मैथ, तो डोंट वरी। जिनका नीट है तो आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। वी वन टू वी टू, क्लियर? गुड। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के रूल्स क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कहाँ लिखोगे? वी, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन था? वी। अपर लिमिट कौन है? वी टू माइनस बीटा एन। और आपको पता होना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कौन था? वी वन माइनस बीटा एन। ये हो गया पहला टर्म खत्म, ये पहला ही टर्म हुआ, दूसरा बाकी है। अल्फा एन स्क्वायर क्या था इसके अंदर? लॉग ऑफ वी, तो लॉग ऑफ वी टू माइनस लॉग ऑफ वी वन। क्लियर? नाउ यू विल हैव, यू नो व्हाट इज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी? लॉग ए बाय बी। तो यहाँ पे आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ बी टू माइनस बीटा एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी वन माइनस बीटा एन, तो इट विल बी वी टू माइनस बीटा एन अपॉन वी वन माइनस बीटा एन। यहाँ तक क्लियर? माइनस दूसरे टर्म में क्या है?
अल्फा एन स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ बी टू बाय बी वन। तो एनआरटी एनआरटी लॉग टू द बेस ई बी टू माइनस बीटा एन अपॉन बी वन माइनस बीटा एन माइनस ए। ए मतलब अल्फा है ये, दिस इज नथिंग बट अल्फा, माइनस अल्फा एन स्क्वायर लॉग ऑफ बी टू बाय बी वन। हमारा भी तो वही आया, लुक चेक, एनआरटी लॉग ऑफ बी टू माइनस बीटा एन अपॉन बी वन माइनस बीटा एन माइनस अल्फा एन स्क्वायर लॉग ऑफ बी टू बाय बी वन। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो एक बार वापस प्रोसेस देख लो, डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज लेंथी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। व्हाई नॉट डिफिकल्ट? जनरल प्रोसेस पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन पीडीबी फ्रॉम वी वन टू वी टू इज ऑलवेज टोटल वर्क डन। व्हाट इज टोटल वर्क डन? इंटीग्रेशन पीडीबी फ्रॉम वी वन टू वी टू। अब प्रेशर कांस्टेंट अगर होता तो बोल देते ना आइसोबारिक है, बोला गया नहीं, तो इंटीग्रेशन के बाहर प्रेशर आ सकता है क्या? नहीं। तो पहले जो इक्वेशन दिया है आपको, वहां से प्रेशर का इक्वेशन बनाओ और उस प्रेशर के इक्वेशन को इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, फिर दो इंटीग्रल अलग कर लो और दोनों को इंटीग्रेट करो। सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन का रूल बता दिया आपको, तो इंटीग्रेट करोगे एंड दैट्स इट। एनआरटी कांस्टेंट है, बाहर है, वन अपॉन बी माइनस बीटा एन का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ बी माइनस बीटा एन, और वन अपॉन बी का होता है लॉग ऑफ बी, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गया क्वेश्चन। तो नाउ ऑनवर्ड्स दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, आई मीन क्वेश्चन के नंबर्स पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब सिक्वेंशियल नहीं है। आई जस्ट पिक्ड अप सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कवर करना रहेगा, तो ओनली दोज क्वेश्चन आई विल टेक बिकॉज वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कैरिड आउट फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट डी टू एन इंटरमीडिएट स्टेट ई बाय द लीनियर प्रोसेस एज शोन इन फिगर। द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क इज डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ ए। थोड़ा सा गलत फ्रेमिंग हो गया क्वेश्चन का। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कैरिड आउट फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट डी, तो इनिशियल स्टेट कौन है? डी, टू इंटरमीडिएट स्टेट ई बाय लीनियर प्रोसेस, राइट? द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क इज डन नहीं, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ, डी से ई से एफ जाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस हो, इज दिस अ साइक्लिक प्रोसेस? यस। तो व्हेन एवर यू हैव अ साइक्लिक प्रोसेस, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, इस केस में टोटल वर्क डन इज गिवन बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो हमको एक्चुअली फाइंड क्या करना है? यू सपोज टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड कर लो, यू विल गेट टोटल वर्क डन। तो हाउ विल यू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? सिंपल है। तो टोटल वर्क डन इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 7 माइनस 3 एंड हाइट इज 600 माइनस 200, राइट? तो दिस इज 4 बाई 2 और ये है कितना? 400, 1 एंड 2 जा, तो हाउ मच? 800 जूल। तो आंसर इज 800 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन था। तो अगर पूछा होता व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम डी टू ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 800 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे का 7 माइनस 3 इज 4, 4 इंटू 200 800, 800 एंड 800 1600। पूछा होता व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू एफ, तो ओनली 800। पूछा होता फ्रॉम ए टू, सॉरी, फ्रॉम एफ टू डी, 0, क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसमें वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी फॉर अ सर्टन गैस आर रिलेटेड बाय P इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर बाई वी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। द वर्क डन बाई द गैस एज इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी वन टू टी टू वाइल प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इज, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ऐसा बोल तो दिया, बट वेट वेट वेट, डोंट बी इन हरी। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा आएगा। जब वी वन टू वी टू बोलते हो तो डी वी मतलब इंटीग्रेशन वेरिएबल इज वॉल्यूम,
जब टी वन टू टी टू बोला है तो हु इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन? टेम्परेचर मतलब डी टी। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कौन है? टेम्परेचर, क्योंकि क्या बोला है? टी वन टू टी टू। अब हमको पता तो है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू, लेकिन वी वन तो दिया ही नहीं है ना, हमको बोला है टी वन टू टी टू। तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, यहाँ पे छोटी सी भी गलती विल लीड टू रॉन्ग आंसर, क्योंकि अभी कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, निकाल दिया प्रेशर बाहर, खत्म, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया, तो नहीं चलेगा। हमको क्या बताया है? पी इक्वल टू क्या बताया है? अरे अभी तो लिखा ए टी माइनस बी टी स्क्वायर अपॉन वी, तो पी वी इक्वल टू क्या आएगा? ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑन बोथ साइड्स। अब बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम क्यों? मत लो, डजंट मैटर, जस्ट डिफरेंशिएट, एक ही बात है, तो सिर्फ डिफरेंशिएट करोगे तो भी चलता है, बट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। व्हेन यू डिफरेंशिएट आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो डिफरेंशिएट दिस, राइट, दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करो, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करो, डायरेक्ट लिखो तो भी चलता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सिर्फ एक चीज याद रखना, आपको पी डी वी के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। तो इफ आई जस्ट से डिफरेंशिएटिंग, जस्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू नथिंग, जस्ट डिफरेंशिएटिंग, तो रूल क्या लगता है पता है? रूल व्हाट इज पी इनटू वी का रूल? पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी। लेकिन प्रेशर तो कॉन्स्टेंट बोला था ना, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? राइट हैंड साइड पे किसका डेरिवेटिव आएगा? ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, बराबर? यस नो? यस। सिर के ऊपर से पानी? नहीं, कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन लिया, डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, यहाँ पे ए कौन था? कॉन्स्टेंट, तो क्या आएगा? ए डी टी। बी कौन है? कॉन्स्टेंट। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है? टू टी डी टी, टू टी डी टी, क्लियर। लेकिन डी पी क्या आएगा? जीरो, क्योंकि प्रेशर क्या है? कॉन्स्टेंट। प्रेशर कॉन्स्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर इज जीरो। तो ये क्या मिलेगा आपको? पी डी बी इक्वल टू ए माइनस टू बी टी, डी टी कहाँ गया? इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर वन में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम टी वन टू टी टू पी डी वी, बट पी डी वी इज ए माइनस टू बी टी डी टी, बराबर? गुड। तो अब इसके दो इंटीग्रल्स कर लेना, इंटीग्रेशन ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन टू बी टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक? टी वन से टी टू तक, टी वन से टी टू तक। ए कौन है? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कहाँ जाता है? बाहर। तो क्या बचेगा अंदर? डी टी। वॉट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी? टी वन नहीं, टी टू भी कौन है? कॉन्स्टेंट। अंदर कौन बचेगा? टी, टी वन टू टी टू। तो डी टी मतलब जस्ट टी, लिमिट्स क्या? टी वन टू टी टू माइनस टू बी टी स्क्वायर बाय टू, लिमिट्स टी वन टू टी टू, टू और टू कैंसर। तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू ए टी टू माइनस टी वन माइनस बी टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, ऐसा रहा तो ठीक, नहीं तो टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर टी टू माइनस टी वन इंटू टी टू प्लस टी वन, फिर वो कॉमन निकालेंगे, देख लेते हैं अभी है, देख ए टी टू माइनस टी वन माइनस बी टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी।